ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका मेरा राज्य मेरा देश में। और कुछ और खबरें, अल जवाहिरी अमेरिकी हमले में मारा गया। जवाहिरी के खात्मे के पीछे महीनों से लगातार प्लानिंग चल रही थी कि कैसे इसे शूट किया जाए। अमेरिकी एजेंसियों ने करीब 4 महीने तक काबुल में छुपे जवाहिरी की ट्रेनिंग की और उसकी हर गतिविधि की पुख्ता जानकारी पहले जुटाई और फिर काबुल के उस घर पर ड्रोन अटैक किया गया जिसमें जवाहिरी छिपा हुआ था। कैसे उसे मारा गया, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जवाहरी का सर तन से जुदा, अमेरिका का जिहादी से बदला। 9/11 हमले का अधूरा बदला अमेरिका ने अब जाकर पूरा किया है। इस सबसे भीषण आतंकी हमले को अंजाम देने वाले अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने 2011 में मार गिराया था, लेकिन उसका साथी ऐमान अल जवाहरी हाथ नहीं आया था। अब 11 साल बाद लादेन के उस जिगरी को भी अमेरिका ने मौत की नींद सुला दिया है। अमेरिका ने लादेन स्ट्राइक में जवाहरी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुसकर उसके सुरक्षित ठिकाने पर ड्रोन से मिसाइल हमला करके मार गिराया है। जवाहरी पहले पाकिस्तान में छिपा था, लेकिन तालिबान सरकार आने के बाद वो काबुल पहुंच गया था। जवाहरी 71 साल का हो गया था और वो लादेन की मौत के बाद 11 साल से लगातार अपनी वीडियो जारी करके दुनिया को धमकी दे रहा था। अमेरिका ने जवाहरी के खिलाफ करोड़ों रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। बताया जा रहा है कि तालिबानी गृह मंत्री और कुख्यात आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी ने उसे अपने एक बेहद सुरक्षित अड्डे में पनाह दे रखी थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जवाहरी को बार बार अपने घर की बालकनी पर आने की आदत, जो उसे भी भारी पड़ गई। बालकनी में आने की आदत की वजह से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारियों को जवाहरी के काबुल में छिपे होने की भनक लग गई और उन्होंने रीपर ड्रोन से हेल फायर मिसाइलें दागकर जवाहरी का काम तमाम कर दिया। जवाहरी के साथ उसका परिवार भी इसी मकान में रह रहा था। बाइडेन के आदेश पर अमेरिका ने गत शुक्रवार को सटीक हमला किया और उसे मार गिराया। इस हमले में हक्कानी के बेटे और दामाद के भी मारे जाने की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को 6 महीने पहले ही जवाहरी के अफगानिस्तान पहुंचने की खबर लग गई थी। वो अपने परिवार के साथ रहने के लिए पहुंचा था। इसी के बाद से अमेरिकी एजेंसियां जवाहरी का खेल खत्म करने के मिशन में जुट गई थी। 31 जुलाई को वो मौका उनके हाथ लग गया और अपने ठिकाने की बालकनी में आना जवाहरी को भारी पड़ गया। रीपर ड्रोन से निकली हेलफायर मिसाइल ने अपनी एक ही बार से जवाहरी की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी। बाइडेन ने जवाहरी की मौत के ऐलान के समय कहा कि ये आतंकी अमेरिका पर 9/11 के हमले की योजना बनाने में शामिल था। इसमें करीब 3,000 लोग मारे गए थे। उन मौतों का बदला अमेरिका ने अब पूरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर यूपी के रामपुर में ISIS ने एक बार फिर धमकी दी है। ISIS के धमकी वाले पत्र से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। लोगों ने घर से निकलना तक बंद कर दिया। लोग इतना ज्यादा इस धमकी से डरे हुए हैं। रामपुर में ISIS की धमकी, दहशत में पूरा गांव। यूपी के रामपुर में 4 धमकी भरे पत्र मिलने के बाद अब एक बार फिर ISIS ने एक महिला को जान से मारने की धमकी दी है। आतंकी संगठन ISIS के नाम से लगातार मिल रही धमकियों से पूरे गांव में दहशत है। ये पत्र शाहबाद थाना क्षेत्र के अनवा गांव में मिली। ये सभी पत्र इस गांव के रहने वाले कुलदीप नाम के शख्स के घर के बाहर पड़े मिले, जिसके बाद से गांव में हड़कंप मच गया। इनमें गांव के 4 लोगों के नाम भी लिखे हैं। इसके साथ ही चिट्ठियों के ऊपर ISIS का नाम लिखा है। पत्र लिखने वाले ने खुद को आतंकी संगठन ISIS का सदस्य बताया और गांव में गैस से हमला करने की बात कही, खेत और लोगों के घरों में करंट दौड़ाने की धमकी दी है, जिसकी वजह से गांव वाले ना तो खेतों में जा रहे और ना ही अपने जानवरों को खेतों में भेज रहे। ऐसे ही एक धमकी भरा पत्र भानु प्रताप सिंह को भी मिला। लेटर में यही लिखो गया, वो धमकी दी गई है। हमें तो इंग्लिश पढ़ने ना आता ही, तो हमने तो उनसे पढ़वाई, तो उन्होंने पूरी बात हमें बताई। उन्हें हमें जो बताई गई धमकी है जहाँ काल करो सब बाल खेल जूनों में लगे हमारे तो 8 दिन रोटी तक बाल के नगती खा रहे हैं, सूख के लकड़ी होंगी।
प्रसिद्ध राजस्थान के जालौर में आश्रम में चल रहा था घिनौना काम। काला दोष को दूर करने के नाम पर महिला से दुष्कर्म का खुलासा हुआ है और दुष्कर्म जैसे घिनौने वारदात को अंजाम देने का आरोप आश्रम के ही मुख्य पुजारी पर लगा है। राजस्थान के आश्रम में बलात्कार, मुख्य पुजारी पर रेप का आरोप। राजस्थान के जालौर जिले में सांचौर क्षेत्र के आरवा जानीपुरा गांव में बने भगवान दत्तात्रेय आश्रम में काल दोष दूर कर रेप का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पुजारी ने पीड़ित पर काल दोष दूर करने के लिए अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया था। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुजारी ने 108 दिन में 21 बार संबंध बनाने का दबाव बनाकर काल दोष दूर करने का दावा किया था। ये सरवाना थाने में डाक से प्राप्त हुआ था परिवार, और परिवार गंभीर होने से आत्मा हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़िता के बयान ले चुके हैं, मेडिकल करवा चुके हैं, आगे अग्रिम अनुसंधान जारी। वही महिला का आरोप है कि काल दोष दूर करवाने के लिए तैयार नहीं होने पर उसके साथ आश्रम में धोखे से बुलाकर रेप किया गया। वही महिला ने आश्रम की संचालिका हेमलता पर भी इस कुकर्म में सहयोग करने के आरोप लगाए। आपको बता दें कि पूरी घटना 19 फरवरी 2022 की बताई जा रही है, जिसमें हाल में 27 जुलाई को एक मामला दर्ज करवाया गया। पीड़िता ने हाल में दी शिकायत में आरोप लगाया है कि 19 फरवरी 2022 को तागाराम और साध्वी हेमलता ने धोखे से उसे आश्रम बुलाया और अंडरग्राउंड में बने एक कमरे में तागाराम ने उसके साथ रेप को अंजाम दिया। आश्रम को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र के तहत जो विवाहिता ने मामला दर्ज करवाया है, जो मुझ पर आरोप लगाए गए हैं, बिल्कुल सरासर झूठ है, एकदम झूठ है। पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया कि आश्रम में जाते ही उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया और रेप के दौरान वीडियो भी बनाया। वहीं शिकायत मिलने के बाद सरवाना थाना क्षेत्र की पुलिस आरोपी साध्वी हेमलता और तागाराम के खिलाफ धारा 385 376 डी में मामला दर्ज कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की मुलाकात पर राजनीति उत्तर प्रदेश में और तेज हो गई है। ओपी राजभर की पार्टी अब भड़क गई है और अखिलेश यादव के मौन पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इन दोनों की जो मुलाकात हुई इसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं। योगी से रामगोपाल की मुलाकात, माफिया की पैरवी, राजभर का अखिलेश पर तंज, वो मिले तो रास लीला, हम मिले तो कैरेक्टर ढीला। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव के चचा रामगोपाल यादव और सीएम योगी की मुलाकात पर यूपी का सियासी पारा गर्म हो गया है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूछा है कि योगी और रामगोपाल की मुलाकात पर अखिलेश अपना मौन कब तोड़ेंगे। तो बहुत सारी बातें तब उभर के आ जाती है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्यों बाबा योगी आदित्यनाथ से मिलने गए। अब तो सवाल उनसे पूछना चाहिए, कौन सी आफत आ गई, अंधेरे में जा रहे हैं मिलने के लिए। बता दें कि सीएम योगी और ओपी राजभर के बीच हुई मुलाकात को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे और तभी से अखिलेश और राजभर के बीच दूरियां बढ़ती गई। समाजवादी पार्टी और राजभर के बीच खाई इतनी बढ़ी कि अखिलेश ने उन्हें सपा गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन सीएम योगी और रामगोपाल यादव की मुलाकात पर ओपी राजभर की पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए। अरुण राजभर ने ईडी और सीबीआई के छापे से बचने के लिए रामगोपाल यादव पर सीएम योगी से सेटिंग करने का आरोप मढ़ दिया है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भय में है और इसी भय की वजह से कोई कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कमरे में क्यों बैठे हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान में सड़क पर संघर्ष करें। हालांकि खबर तो ये भी है कि रामगोपाल यादव सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन से डर गए हैं और अब योगी का बुलडोजर एटा में भूमाफिया रामेश्वर और जोगेंद्र यादव पर चलने वाला है। दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 80 मामले दर्ज हैं और सूत्रों की माने तो रामगोपाल यादव ने सीएम योगी से मिलकर इन भूमाफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं करने की पैरवी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। और हैरानी की बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के 4 महीने पहले ही अपने 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी आज कर दिया है। गुजरात विधानसभा की चुनावी तैयारी, आपने घोषित किए 10 उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम गुजरात चुनावों के मद्देनजर राज्य के दौरे करते रहे हैं और कई जिलों में उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। पंजाब चुनावों में जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब गुजरात में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में जुटी है। आज आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। हैरानी की बात है कि केजरीवाल ने 4 महीने पहले ही गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अपने 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। केजरीवाल लगातार बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए तीखे बयान भी देते रहे हैं। सारे टीवी चैनल पे बैठ के गाली देंगे, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। ये सारी रेवड़ी अपने दोस्तों को बांटते हैं, सारी फ्री की रेवड़ी ये दोस्तों को बांटते हैं, ये सारी रेवड़ी स्विस बैंकों में ले जाते हैं। केजरीवाल रेवड़ी स्विस बैंक में नहीं ले जाता, केजरीवाल रेवड़ी जनता में बांटता है। आपने गुजरात विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जरा इनके नाम भी जान लीजिए। आम आदमी पार्टी ने भीमा भाई चौधरी को देवधर से टिकट दिया तो सोमनाथ से जगमाल वाला को उम्मीदवार बनाया है। छोटा उदयपुर में अर्जुन राठवा को प्रत्याशी बनाया गया। बछेराजी सीट से सागर रबारी पर भरोसा जताया गया है। राजकोट रूरल से वाशराम सगाथिया को टिकट दिया गया। पार्टी ने कामरेज विधानसभा क्षेत्र से राम धाधुक पर दांव लगाया है। राजकोट साउथ से शिवलाल बरासिया, गरियाधर से सुधीर बघानी और बरडोली से राजेंद्र सोलंकी के साथ साथ नरोदा से ओम प्रकाश तिवारी पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया। केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा दांव लगा चुके हैं। अगर चुनाव में वो बीजेपी को हराने में कामयाब हुए तो यकीन मानिए केजरीवाल 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा साबित होंगे। इसलिए 4 महीने पहले ही आपने 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले हनुमान जी की जाति पर सवाल और अब हनुमान जी के जन्म स्थल को लेकर का विवाद छिड़ चुका है। दरअसल कर्नाटक के सीएम हैं बोम्मई, जिन्होंने कर्नाटक के अंजनाद्री पहाड़ियों में हनुमान जी का जन्म होने का दावा कर दिया। इससे पहले आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने भी अपने वहां हनुमान जी का जन्म स्थल होने का दावा किया था कि हनुमान जी वहीं पर जन्मे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। हनुमान के जन्म स्थल पर जंग, भगवान हनुमान का जन्म कहां हुआ था, इसको लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भगवान हनुमान के जन्म स्थल को लेकर ऐसा बयान दिया कि विवाद छिड़ गया। बोम्मई ने दावा किया कि गदाधारी बजरंग बली का जन्म कहीं और नहीं बल्कि कोप्पल जिले में अंजनाद्री पहाड़ियों में हुआ था। दावण गिरेली सिद्धरामेश्वरा रथमोत्सव के आह्वान भागवी ना ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಏನು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆಂಜನೇದ್ರಿ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯೇ ಪಹಲಿ ಬಾರ್ ನಹಿ ಜಬ್ ಇಸ್ ತರಹ ಸೆ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಕೆ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಕೋ ಲೇಕರ್ ದಾವಾ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೋ ದರಸಲ್ ಪಹಲೇ ಭಿ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ರಾಜ್ಯ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಕೆ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ದಾವೆ ಪೇಶ್ ಕರ್ ಚುಕೆ ಹೈನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಔರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ನೆ ಭಿ ದಾವಾ ಕಿಯಾ ಥಾ कि हनुमान जी का जन्म कहीं और नहीं बल्कि उनके राज्य में ही हुआ। कर्नाटक के एक संत वाल्मीकि रामायण का भी हवाला दे चुके हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक किष्किंधा ही हनुमान जी का जन्म स्थान है।
सोने के रंग जैसे दिखने वाले पर्वत के शिखर पर हनुमान जी का जन्म हुआ। यहाँ मौजूद आंजनेय पहाड़ का रंग सोने जैसा है। यहाँ पहाड़ों के पत्थर से बनी नगरी है। किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर, बाली किला, मधुबन, ऋषिमुख पर्वत का जिक्र हुआ है। बाली के डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत चले गए थे, किष्किंधा में अब भी मौजूद है। हालांकि हनुमान जी के जन्मस्थल से पहले उनकी जाति को लेकर भी विवाद हो चुका है और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने जन्मस्थान को लेकर नया दावा कर दिया। बोम्मई ने हनुमान जी के जन्मस्थल के रूप में कर्नाटक अंजनाद्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीर्थ स्थल बनाने के रूप में विकसित करने का भी फैसला कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और रामनगरी के सैकड़ों मंदिरों में झूलन उत्सव का उल्लास इस वक्त छलकने लगा है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या की, बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहां से सामने आई हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनगरी के सैकड़ों मंदिरों में झूलन उत्सव का उत्साह छलकने लगा है, जबकि कुछ मंदिरों में पंचमी तिथि से ही झूलन महोत्सव की धूम होगी। रामलला के दरबार में झूलन महोत्सव की छटा बिखरने लगी है। आज से सावन पूर्णिमा तक रजत हिंडोले पर रामलला समेत चारों भाई विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। झूलनोत्सव पर चांदी के झूले में विधि विधान से रामलला के साथ भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को विराजमान किया जाता है। रामनगरी में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज शाम से हर रोज गीत संगीत की महफिल सजेगी। रामनगरी का ऐतिहासिक सावन झूला मेला शुरू हो चुका है। 21 किलो के रजत हिंडोले में विराजमान रामलला भक्तों को दर्शन देंगे। हर रोज शाम 6 से 7 बजे तक सांस्कृतिक संध्या भी सजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इन्हीं खबरों के साथ मेरा राज्य मेरा देश में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात शाम 6:54 पर जी हिंदुस्तान पर।